पेरेंट टीचर पढ़ाते नहीं है, वे हर प्रकार की लापरवाही करते हैं और रिजल्ट कमजोर आता है तो अतिथि शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कौन सी न्याय की नीति है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और यदि आप वास्तव में संवेदनशील है, वास्तव में आपके मन में, आपने खुद आंदोलन किया हम लोगों के साथ, आपने अतिथि शिक्षकों अतिथि विद्वानों के लिए संघर्ष भी किया, हम आपको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन आज आपकी संवेदनशीलता शून्य होकर क्यों रह गई है? ये लाडली बहनें पूछ रही हैं, क्या हम आपकी लाडली बहनें नहीं हैं? क्या हमने आपको राखी नहीं बांधी? मैंने इन बहनों को गर्भवती स्थिति में स्कूल जाते देखा है, 35-35 किलोमीटर अप डाउन कर रही हैं। आपके घर में माँ नहीं है, आपके घर में बहन नहीं है, ये हमारी बहनें फालतू हैं। और कई स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य, प्राचार्य और बाबू तक हमारी इन बहनों का शोषण कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के प्रति अन्याय करते हैं। कोई हम लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है। 10 से लेकर 5 बजे तक का फरमान सुना दिया जाता है और प्रभारी प्राचार्य और प्राचार्य हम ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, ये कहकर स्कूल से गायब हो जाते हैं। अतिथि शिक्षक को 6-6 पीरियड दिए जा रहे हैं। हमारा क्या पेट नहीं है? हमारे क्या बच्चे नहीं है? हमारा क्या परिवार नहीं है? हमारे घर में क्या बेटी नहीं है? हमारी घर की बेटी का क्या ब्याह नहीं होना? हमारे बच्चों को क्या फीस नहीं भरना? हमारे बच्चों के लिए क्या कोई सुविधाएं मूल्य नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती? सब कुछ आपने लाडली बहनों को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, वो भी हमारी बहनें हैं, लेकिन हमारी इन हजारों लाखों बहनों का भी आपको कल्याण करना है, ये बात आप सोच लीजिए। आज अतिथि शिक्षकों को बराबर प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमको ये सुनने नहीं मिलता हो कि आज हमारी ये बहन बाहर हो गई, आज हमारा ये भाई बाहर हो गया। अगर आपको ऐसा ही करना है तो हम लोगों को घुट घुट कर मत मारिए आदरणीय बड़े भाई, हम लोगों को एक साथ संख्या लाकर दे दीजिए, हम लोग सामूहिक आत्महत्या करने तैयार हैं, हम लोग स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की जिंदगी से खेलने का आपको कोई हक नहीं है। मैं आपको अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के साथियों की ओर से विनम्रता पूर्वक चेतावनी देना चाहता हूँ। और भाई भाई है जो भाई से हक के लिए लड़ सके, अतिथि भाई है जो अतिथि शिक्षकों के हक के लिए, उनके संघर्ष के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सके। हम सभी अतिथि शिक्षक भाई बहन, और आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय मोहन यादव जी, हम सब करबद्ध निवेदन करते हैं, हम लोगों के साथ न्याय कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये जो 29 सीटें आई हैं ना मध्य प्रदेश में, ये हम लोगों का खून पसीना है। हमने हर जगह टाइगर मामा जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, सिंधिया जी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए हैं, तब कहीं आकर आप मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर काबिज हैं। हम लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलिए, हमारा यही निवेदन है। और मैं मीडिया के साथियों का आभारी हूँ, यदि आपने पूरी बाइक चला दी, अगर आपने मेरे एक एक बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया, तो मैं संपूर्ण मीडिया परिवार का हृदय से, हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ।